Hey guys, namaste. This is Pallavi. Welcome back to Face and Colors and I hope you all are doing great. So, ऐसे कई सारे लोग हैं जो मेकअप तो कर लेते हैं लेकिन उनकी जो अंडर आईज है वो और ज्यादा ब्लैक लगने लगती है और ज्यादा ग्रे लगने लगती है. तो आज मैं आपको बताऊंगी हाउ टू हाइड दिस डार्कनेस अंडर योर आईज यूजिंग मेकअप. एक तो सबसे ज्यादा जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये होती है जब आप आपके स्किन टोन के प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते हैं. जैसे कि फाउंडेशन बहुत ज्यादा अगर लाइट यूज करोगे या फिर कंसीलर बहुत ज्यादा लाइट यूज करोगे तो आपका जो मेकअप है वो डार्क लगेगा, प्लस जो आपके अंडर आईज है वो और ज्यादा विजिबल होंगे. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको आपके टोन का ही फाउंडेशन और कंसीलर यूज करना है. फाउंडेशन आप एक टोन लाइट भी ले सकते हो लेकिन कंसीलर अगर आप एक टोन डार्क लोगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा. सो आज मैं आपको दो तरीके बताऊंगी जिससे आपके डार्क सर्कल्स को हाइड कर सकते हो. एक तो उनके लिए जिनको बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं, जिनके बहुत ज्यादा डीप डार्क सर्कल्स हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा विजिबल होते हैं, और एक जिनके नॉर्मल डार्क सर्कल हैं जैसे मेरे बहुत ज़्यादा नहीं है. अगर आपके इतने हैं तो आप इसको नॉर्मल कंसिडर कर सकते हो. तो ये दो मेथड मैं आपको बताऊंगी हाउ टू हाइड देम. सो द फर्स्ट मेथड आई एम टेलिंग यू इज द प्रोफेशनल मेथड जो कि सारे मेकअप आर्टिस्ट यूज करते हैं. आई ऑल्सो यूज दैट. जिनके भी बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स होते हैं उनको वही वाला मेथड यूज करना है. सो जैसे कि आप मेकअप स्टार्ट करते हो, मॉइस्चराइजर लगाते हो, प्राइमर लगाते हो, वो आपको एज इट इज करना है, जो कि मैंने आज कर रखा है. अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं डार्क सर्कल्स के लिए, ठीक है. सो फर्स्टली आपको लेना है ऐसा ऑरेंज करेक्टर. अब ये ट्यूब में भी आता है, कंसीलर वाले फॉर्म में भी आता है, ऐसे पैलेट्स में भी आता है. यू कैन यूज एनी करेक्टर बट ऑरेंज होना चाहिए, ठीक है. सो फर्स्टली आई एम टेकिंग दिस वन और थोड़ा सा ये मिक्स कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा डार्क लोग होते हैं, डीप कॉम्प्लेक्शन जिनका होता है उनके लिए यूज़ होता है, और ये वाला. So you need to apply it and blend it well. जैसे भी करना चाहते हो, फाउंडेशन ब्रश से भी कर सकते हो या फिर आपका स्पॉन्ज जो होता है उससे भी कर सकते हो. I like to do it with a small brush, so I'm doing that. ठीक है, करेक्टर लगा लिया, सिंपल. फर्स्ट स्टेप ये हो गई. सेकेंडली हम यूज करेंगे फाउंडेशन जैसे करते हैं, ठीक है. इट जस्ट दैट कि हमने करेक्टर पहले लगा लिया है, उसके बाद हम फाउंडेशन यूज कर रहे हैं. फाउंडेशन को मैंने स्पैचुला पे ले लिया है एंड आई एम अप्लाइंग इट जैसे मैं हमेशा लगाती हूँ, डॉट डॉट मेथड में. कोई सा भी फाउंडेशन आप ले सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको कोई पर्टिकुलर फाउंडेशन लेना है. जो भी आप यूज करते हो यू कैन यूज इट. आपको करेक्टर के ऊपर भी अप्लाई करना है फाउंडेशन, डू रिमेम्बर दैट. सो मैंने इस साइड भी फाउंडेशन लगा लिया है क्योंकि जो दूसरी मेथड है उसमें आपको करेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है. सो आई एम स्किपिंग दैट. नाउ ब्लेंड ब्लेंड. अब बाकी फेस पे मैंने नॉर्मल ब्लेंडिंग की है बट इस जगह पे जहां पर हमने करेक्टर लगाया है वहां पे हमको डैप डैप करना है. Why? Because अगर आप ड्रैग करोगे तो जो आपका प्रोडक्ट है, जो करेक्टर आपने लगाया था, वो मूव होगा. सो वी डोंट वॉन्ट दैट, इसलिए इसको डैब डैब करके एंड देन ब्लेंड करना है यहाँ पर. नाउ एट दिस स्टेज यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऑरेंज ऑरेंज लगेगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल गोना फिक्स इट. सो नेक्स्ट स्टेप मैं क्या कर रही हूँ, कंसीलर लगा रही हूँ. पहले हमने लगाया करेक्टर, उसके बाद हमने किया हमारा बेस यूजिंग फाउंडेशन, नाउ वी आर यूजिंग कंसीलर. यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा कंसीलर लगाने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा भी लगाओगे तो आपका काम हो जाएगा. टेक अ स्मॉलर ब्रश एंड देन अगेन डैब डैब. नाउ कैन यू सी द डिफरेंस. फाउंडेशन मैंने दोनों साइड लगाया है बट मैंने एक जगह करेक्टर और कंसील नहीं किया है, सो यू कैन सी हाउ डिफरेंट इट लुक्स. So we have done three steps. The first one is corrector, second one is foundation, the third one is concealer, and now we are moving on to the fourth step, that is setting it with a loose powder. अच्छा, कंसीलर के लिए आई वॉन्ट यू सजेस्ट दैट कि आप ये लॉरियल का इनफेलेबल कंसीलर ले सकते हो. इट इज वेरी गुड, लाइक वेरी वेरी गुड. एंड जब भी कंसीलर ले रहे हो आपको एक टोन डार्क कंसीलर लेना है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं लेना है, टोन टू टोन भी नहीं लेना है. एक टोन अगर डार्क लोगे तो आपका जो डार्कनेस है वो ज़्यादा अच्छे से
कवर होगी। नाउ फोर्थ स्टेप में हमको एक ऐसे ट्रायंगुलर पफ में या ब्लेंडर में भी आप ले सकते हो, लूज पाउडर लेना है, ठीक है। देन यू हैव टू ब्लेंड दिस आउट एंड कंटिन्यू टू लुक अपसाइड, बिकॉज अगर आप नीचे देखोगे ना तो आपकी जो क्रीजेस हैं वो विजिबल हो जाएगी, और अगर आप उसको सेट कर दोगे ऐसे ही तो वो फिर क्रीजेस और ज़्यादा दिखने लगेगी। वी डोंट वॉन्ट दैट, ठीक है। सो कीप लुकिंग अप व्हाइल यू आर ब्लेंडिंग एंड देन यू हैव टू प्रेस द लूज पाउडर अंडर योर आईज। बहुत ज़्यादा लूज पाउडर नहीं लगाना है हमको, एकदम केक ही नहीं करना है, जितना कम से कम हो सके वो यूज़ करना है। मैंने यहाँ पर लॉरा मर्सियर का पाउडर यूज़ किया है एंड इफ़ यू वांट सम अफोर्डेबल ऑप्शंस आई कुड सजेस्ट यू दिस वन। ये मेबलिन का फिट मी है, इट इज़ इन द शेड लाइट, मेरे कॉम्प्लेक्शन पे लाइट अच्छे से जाता है, मीडियम वाला थोड़ा सा डार्क होता है मुझे। सो या यू कैन गो फॉर दिस वन ऑल्सो, दिस इज रियली गुड एंड रियली अफोर्डेबल। सो दीज वर द फर्स्ट स्टेप रूटीन यू हैव टू फॉलो अगर आपको प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की तरह आपके जो डार्क सर्कल्स हैं उनको हाइड करना है। नाउ अब जो मैं आपको मेथड बता रही हूँ वो थोड़ी सी सिंपल है, और जिनके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है दे कैन गो फॉर दिस मेथड। आई ऑल्सो यूज इट लाइक 99% ऑफ द टाइम ऑन माई सेल्फ, नॉट ऑन माई ब्राइड्स। सो सेकेंड मेथड के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले फाउंडेशन, फर्स्ट स्टेप जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकेंड मेथड इज कंसीलर, यूजिंग द सेम कंसीलर अगेन यू डोंट हैव टू यूज अ लॉट ऑफ कंसीलर, जस्ट फ्यू डॉट्स। This is the second step. Then third, again we are using loose powder. कैसे use करना है loose powder? First you have to blend. Keep looking up. Then dab the loose powder. नाउ डार्क सर्कल्स दोनों केस में हाइड हो चुके हैं, आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस शायद हो सकता है दिख रहा हो क्योंकि हमने इसमें करेक्टर ज़्यादा लगाया है और इसमें हमने तीन ही स्टेप किए हैं। दिस वॉज द फोर्थ स्टेप रूटीन, दिस वॉज थ्री स्टेप। सो इफ यू डूइंग हैवी मेकअप आप ये वाला कर सकते हो एंड इफ यू आर लाइक डूइंग नॉर्मल मेकअप देन यू कैन गो फॉर दिस वन। तो अगर आप प्रोफेशनल रेंज में जाते हो तो यू कैन यूज दिस लॉरा मर्सियर वाला पाउडर एंड इफ यू आर सर्चिंग फॉर सम अफोर्डेबल ऑप्शन यू कैन यूज दिस मेबलिन वाला। लूज पाउडर आई वुड सजेस्ट कि आप कोई सा भी मत लेना क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन्स कि आप लगाते हो उसको वो अच्छे से सेट भी नहीं करता और क्रीजेस आ जाती हैं, तो अच्छा वाला यूज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस केस में। तो या यू कैन गो फॉर दिस वन। नाउ जस्ट डू द रेस्ट ऑफ द मेकअप एंड विल बी बैक। सो दिस इज द फाइनल लुक गाइज, और ऐसे ही आप आपका मेकअप कर सकते हो, लाइक फर्स्ट आप अपना जो बेस है वो करोगे एंड उसके बाद दिस टॉपर्स एंड आई बेट कि आपका मेकअप गेम जो है वो एकदम चेंज हो जाएगा। जो आपकी प्रॉब्लम है कि डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं या ग्रे हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा क्रीजेज आ जाती हैं, ये टेक्निक अगर आप फॉलो करोगे तो आई कैन लाइक 100% गारंटी कि आपका बहुत ही अच्छा मेकअप होगा, बहुत अच्छा बेस होगा एंड यू विल थैंक मी फॉर दैट। सो या दिस वॉज इट अबाउट टुडे। मैं ऐसे कई सारे टॉपिक्स आपके लिए लाती रहूंगी जो भी आपकी क्वेरीज है उससे रिलेटेड। सो या स्टे ट्यून एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी या।